रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। उर्वशी रौतेला की 5 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी विस्तार से जानें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उर्वशी रौतेला की 5 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। उर्वशी रौतेला बॉलीवुड टाउन की बेहद खूबसूरत और हॉट अभिनेत्री है। उर्वशी रौतेला एक उभरती हुई बॉलीवुड कलाकार है। उर्वशी अब तक कई बड़ी बॉलीवुड फिल्में कर चुकी है, जैसे कि द ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हिट स्टोरी 4, सनम रे। चलिए अब जानते हैं उर्वशी रौतेला की 5 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। मिस इंडिया यूनिवर्स क्राउन जीतने के बाद उर्वशी से क्राउन वापस लिया गया। उम्र कम होने की वजह से साल 2012 में मिस इंडिया यूनिवर्स क्राउन जीतने के बाद भी उर्वशी से ये क्राउन वापस लिया गया। रूल्स के अनुसार कैंडिडेट की उम्र 18 साल से 27 साल तक होनी चाहिए, लेकिन उस समय उर्वशी की उम्र 18 साल से कम थी। उर्वशी रौतेला की खुद की फिल्म के प्रीमियर के लिए उन्हें को नहीं बुलाया गया। अपने एक इंटरव्यू में उर्वशी ने अमी गौतम और पुलकित सम्राट के रिलेशनशिप के बारे में बयान दे दिया था, जिसकी वजह से उर्वशी को सनम रे फिल्म के प्रीमियर में नहीं बुलाया गया था। बिना बुलाए उर्वशी मनीष मल्होत्रा की जन्मदिन पार्टी में पहुंच गई थी। उर्वशी रौतेला मनीष मल्होत्रा की जन्मदिन पार्टी में अनइनवाइटेड गेस्ट थी। यहां तक कि पार्टी में उर्वशी ने कई तस्वीरें भी खींची और सोशल मीडिया में शेयर भी की। ग्रेट ग्रैंड मस्ती फिल्म साइन करने के बाद इंदिरा कुमार को 3 महीनों तक अवॉइड करा। ग्रेट ग्रैंड मस्ती फिल्म साइन करने के बाद उर्वशी रौतेला ने इंदिरा कुमार को 3 महीनों तक अवॉइड करा था, क्योंकि स्क्रिप्ट सुनने के बाद उर्वशी इस फिल्म को कुछ ज्यादा ही एडल्ट मान रही थी। जस्टिन बीबर के मुंबई कॉन्सर्ट का वाकया। जस्टिन बीबर के मुंबई कॉन्सर्ट में उर्वशी रौतेला ने एक टेबल पाने के 5,00,000 रुपए दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जस्टिन बीबर के लिए चेयर भी करा था। इसकी वजह से उर्वशी को सोशल मीडिया में लोगों ने जमकर ट्रोल किया था।